हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। जो मेरे प्रीवियस वीडियो थी वो थी ट्राइंगल के सब आर्टिकल्स के ऊपर, जो कि थी व्हाट इज़ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप वो देखें, ताकि फिर आपको इस थ्योरम की थोड़ी सी समझ आएगी। पैथागोरियन थ्योरम, इसे पैथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं, इसे पैथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं, इसे पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, पैथागोरस आ जाए या पैथागोरियन आ जाए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, थ्योरम एक ही है। इस थ्योरम में आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है अकॉर्डिंग टू 10th ग्रेड मैथ। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आता है वो स्टेट एंड प्रूफ पैथागोरस थ्योरम। तो आपने स्टेटमेंट भी खुद याद रखनी है इसकी। कभी कभार आपको हो सकता है स्टेटमेंट दे दी जाए और कह दिया जाए जस्ट राइट डाउन या फिर जस्ट डू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, तो वो अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बस एक ही लाइन लिखी होती है, स्टेट एंड प्रूफ पैथागोरियन थ्योरम। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी स्टेटमेंट फिंगर टिप्स पे याद रखनी है कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं स्टार्ट करने लगी अपना थ्योरम, जो कि पैथागोरियन थ्योरम। अगर आपने इस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें, ताकि आपको मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस आ जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पैथागोरस या पैथागोरियन थ्योरम, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पैथागोरस मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि थ्योरम मैंने पैथागोरियन लिख दिया है और मैं पैथागोरस वर्ड यूज़ करने लगी हूँ, दोनों सेम है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम द सम of squares of two sides of right triangle is equal to square of the hypotenuse of that triangle. According to Pythagoras theorem, sum of squares of two sides of a right triangle is equal to square of the hypotenuse of that triangle. For example, इसी चीज़ को मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने लगी हूँ। Let's suppose आपके पास एक right angle ट्राइंगल है ए बी सी। इसके अंदर जो ये वाली है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, और ये परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम इस चीज़ को हम इस ट्राइंगल के ऊपर देखते हैं। हाइपोटेन्यूस AC है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइपोटेन्यूस AC है, बेस इसकी AB है और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमें ये थ्योरम क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें पता है हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है AC का स्क्वायर इक्वल है किसके, सम बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर की। दोनों साइड्स कौन सी हैं, AB BC। इनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स लें, फिर इन दोनों को ऐड करें तो इक्वल आ जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के। ये थ्योरम बहुत ही आगे यूज़ होगा क्वेश्चंस के अंदर, हम सिर्फ इस थ्योरम को यूज़ करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में इसका प्रूफ मांगा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रूफ बिहाइंड दिस थ्योरम, ये थ्योरम किस तरह स्टेट कर दिया। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैं प्रूफ अभी करवाऊंगी। मैं ट्राई करूँगी कि एज सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैं करवा सकूं इस प्रूफ को, जितना मेरे से इजी वे में डिलीवर हो सके। तो अभी तो आप इसकी सिर्फ स्टेटमेंट को समझें कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट ट्राइंगल। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये हमने किस तरह यहाँ पे लिख दिया। सो व्हाट इज़ द प्रूफ। मैं एक पेज पे अलग से करवाती हूँ कि मुझे बार बार इसकी स्टेटमेंट, बार बार मुझे डायग्राम चाहिए होगी। सो प्रूफ हम यहाँ पे इसका स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आपने प्रूफ के लिए क्या करना है, इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। प्रूफ के लिए आपने क्या करना है, ये डायग्राम है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पाइथागोरियन थ्योरम का प्रूफ। पाइथागोरियन थ्योरम के जो प्रूफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कहें कि एक ये प्रूफ है और भी प्रूफ्स हैं, तो पाइथागोरियन थ्योरम को प्रूव करने के जो मेथड्स हैं वो ऑलमोस्ट 370 प्रूफ्स हैं, जिससे पाइथागोरस या फिर पाइथागोरियन थ्योरम जो है हम प्रूफ कर सकते हैं। जो सबसे ईजीएस्ट है जो इस लेवल के लिए है वो मैं आज इस प्रूफ में करवा रही हूँ। अगर आपके पास कोई और प्रूफ है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर कभी भी ये नहीं आएगा कि इस तरीके से प्रूफ करो। क्वेश्चन पेपर में बस ये आएगा स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने प्रूफ, जिस तरह भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको इजी लगता है, आप उस मेथड से कर सकते हैं। एक्लिड प्रूफ है, एक्लिडियन प्रूफ है, आइंस्टाइन प्रूफ है, तो जो भी आपको ईजी लगता है आप उसको चूज़ कर लें। जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेस्ड पे प्रूफ है, तो ये बहुत ही ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है। फिर इसको करना आसान है और इसको समझना भी बहुत आसान है, इसलिए मैं ये वाला प्रूफ इस तरह मेथड से करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। इस प्रूफ में सबसे पहले आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, जो कि मैंने ले लिया है ए बी एंड सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं तो अब आपको समझ आएगा ये एक राइट एंगल है। यहाँ पे ये बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है, और जो ए सी है ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है, यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है बेस के साथ। तो ये एक राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ऐसे आपने ए बी सी एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ले लेनी है। इसके अंदर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी के ऊपर। तो जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह सीधी एक लाइन होगी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक सीधी लाइन, सीधी एक लाइन आपने खींच देनी है ए सी के ऊपर। इस बी से इस पॉइंट पे जो आपने लाइन खींची, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ डी का। तो ये मेरे पास अब क्या हुआ, दो डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई। एक बन गई ए बी डी, जिसमें बी डी परपेंडिकुलर है और वो 90 का एंगल बना रहा है ए डी बेस के साथ। एक हमारे पास ट्राइंगल ये वाली बन गई बी डी सी, इसमें क्या हो रहा है 90 का एंगल बन रहा है लेकिन डी सी के साथ। तो एक ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक हमारे पास ये ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो आपने इसको समझना है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपको प्रूफ क्लियर हो गया। तीन यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को अंदर से हटा दूँ तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, डी बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तीनों को हम देखेंगे और प्रूफ करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास ए डी बी और ए बी सी, आपने पहले इन दो ट्राइंगल्स को देखना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इतना पार्ट, एक ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेनी है और एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल ले लेनी है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है ड्रॉ। जो आपने इस डायग्राम में करते जाना है ना, वो आपने लिखते जाना है। प्रूफ इस तरह ही होते हैं। तो आप लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। तो आपने कहना है बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसके ऊपर, ए और सी के ऊपर। नाउ वी हैव थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब आपके पास कितनी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं? थ्री। कौन कौन सी? ए बी सी, ए डी बी, और लास्ट में हमारे पास कौन सी है? बी डी सी। ये हमारे पास तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे, पहले मैंने आपको कहा पहले हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स करेंगे, उनको लेंगे और उनमें प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या चीज़ें सेम है। तो आपने कहना है यहाँ पे ए डी बी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू। इक्विवेलेंट है ए बी सी के ट्राइंगल। सॉरी, यहाँ पे आपने राइट एंगल ट्राइंगल का साइन ज़रूर बनाना है। इसका मतलब है कि आप ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल को आपने कहना है ये इक्विवेलेंट है इसके। ये जो साइन है इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहना है इसको, इक्वल नहीं कहना। इक्वल साइन डिफरेंट होता है, इक्विवेलेंट डिफरेंट होता है। इसको कहते हैं इक्वल। इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम, यानी थोड़ी सी उसके अंदर सिमिलैरिटी है। अब जो थोड़ी सी सिमिलैरिटी है वो क्या है कि ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एज आप लिखेंगे यहाँ पे एज ए डी बी एंड ए बी सी आर बोथ राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। देन according to proportionality statement कह दें या proportionality theorem कह दें, their corresponding ratios of साइड्स आर सेम। ये आपने लाइन याद रखनी है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। आपने कहना है क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग या फिर प्रोपोर्शनैलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनकी जो दोनों अगर राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो इनकी जो रेशियोज होंगी साइड्स की वो भी सेम होंगी, लेकिन करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इस ट्राइंगल की बेस ओवर परपेंडिकुलर रेशियो ले रहे हैं तो इसकी भी बेस ओवर परपेंडिकुलर इसके ऑलमोस्ट इक्वल होगी या फिर सेम होगी। साइज का मैटर नहीं करता, साइज एक ट्राइंगल बड़ी है एक छोटी है। ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हमें कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो उनकी जो साइड्स की करस्पॉन्डिंग रेशियोज होंगी वो भी सेम होंगी। रिगार्डलेस मैटर नहीं करता कि उनकी साइज़ क्या है। अगर एक ट्राइंगल बड़ी है साइज़ में और एक छोटी है, डजेंट मैटर, उनके जो रेशियोज होंगी करस्पॉन्डिंग साइज़ की वो सेम होंगी। इस थ्योरम को यूज़ करना है हमने। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमारे पास तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए। पहले हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को और जो सबसे बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल थी ए बी सी जो हमारे पास सबसे स्टार्ट में थी, हमने उन दोनों को इक्विवेलेंट कह दिया। इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज होंगी साइड्स की वो सेम होंगी। ये आपने लाइन याद रख लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की रेशियोज को सेम करना। अब अगर आप इसको देखें, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में ए डी और बी में बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो ले लूँ तो इस ट्राइंगल की भी बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो होगी इसके इक्वल होगी। अब ए डी और बी में बेस क्या है ए डी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, तो आपको यहाँ करेंगे ए डी ओवर ए बी लिख देंगे इज इक्वल टू ए बी सी। जो हमारे पास ट्राइंगल है वो ये वाली है ए बी सी। इसमें मैंने आपको बताया था कि बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूज है। तो बी सी जो परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है और यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को मैंने शो किया है ए बी सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए बी ओवर ए सी। तो ये दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज होंगी साइड्स की या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज जो होंगी वो सेम होंगी। अब आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। ए डी ए सी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी और यहाँ से ये वाला ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डी इंटू ए सी, जो कि हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमने जिस तरह इसकी इक्वेशंस बनाई हैं उस तरह एक और इक्वेशन बनाएंगे और हमारा प्रूफ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जिस तरह हमने ए डी बी ए बी सी को इक्विवेलेंट किया था उसी तरह आप क्या करेंगे ट्राइंगल बी डी सी इक्विवेलेंट है ट्राइंगल ए बी सी के। रीज़न क्या है, सेम रीज़न, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी स्टेटमेंट इन दोनों की जो रेशियोज की साइड इन दोनों की जो साइड्स की रेशियोज हैं करस्पॉन्डिंग साइज रेशियोज वो भी सेम होंगी। तो आपने सिमिलरली वही सेम रीज़न देनी है और रीज़न देने के बाद आपने कहना है कि अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं एज बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स देन करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर सेम। अब आपने इन दोनों में से क्या करना है, एक हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज रेशियो ले लेते हैं और दूसरी की भी हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रेशियो ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्यों ली, ये हमने प्रूफ करना है, इसलिए हमने प्रूफ के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो हमारा प्रूफ इस तरीके से ही होगा कि हम एक जो ट्राइंगल लिए उसकी ये वाली रेशियोज ले लें और एक ट्राइंगल की वो वाली रेशियोज ले लें। तो अब हमारे पास सेकंड कौन सी बन रही है ट्राइंगल बी डी सी। अगर हमारे पास बी डी सी ट्राइंगल बन रही है तो वो इस तरह बन रही है बी डी एंड सी। तो ये हमारे पास एक ये वाली ट्राइंगल बन रही है। अब इसकी हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लेनी है। परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या है सी डी और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी, क्योंकि यहाँ पे ये 90 का एंगल इधर बन रहा है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये अगर ट्राइंगल हम बी डी सी ले रहे हैं तो इसमें परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी डी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी सी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सी डी ओवर बी सी। अब हमें पता है अगर ये लाइन हम नहीं करते तो ए बी और सी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल थी, इसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था बी सी और हमारे पास इसमें हाइपोटेन्यूज क्या था ए सी, बी सी ओवर ए सी। बस इसमें आपने यही चीज़ समझनी है। इसके बाद फिर से अगेन आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी डी इंटू ए सी डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। बी सी इंटू बी सी, ये दोनों सेम है तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, ए डी इंटू ए सी ए सी। एक चीज और, जब हमने ऐड करना है दो इक्वेशंस को तो राइट साइड में ऐड होगी और लेफ्ट साइड में ऐड होगी। तो ये इसकी राइट साइड थी इक्वेशन 1 की, तो ये ऐड किस में होगी, राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 में ऐड। उसकी लेफ्ट साइड क्या थी, ए बी का स्क्वायर, तो ये लेफ्ट में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं और जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको हम अंदर ले जाते हैं। अब ए डी प्लस सी डी और यहाँ पे ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब आपने देखना है ए डी प्लस सी डी क्या बन रहा है, ए डी और डी सी ये क्या आपस में बन रहा है, ये पूरी लाइन ए सी बन रही है। अगर हम इसको इसमें ऐड करते हैं यानी ए डी को डी सी में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए से सी लाइन। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ए सी बाहर जो था वैसे ही आ गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर अब आप गौर करें तो हमारे पास जो इनिशियली हमारे पास ट्राइंगल थी जिससे हमने स्टार्ट किया था अपना पैथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास ये थी ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल थी जिसके अंदर बी सी परपेंडिकुलर था, ए बी बेस थी और ए सी हाइपोटेनस था। तो बी सी परपेंडिकुलर था तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर बी सी की जगह। ए बी हमारे पास इसमें इस ट्राइंगल में क्या था, बेस, ये परपेंडिकुलर था और ये क्या था, हाइपोटेनस। तो ए बी की जगह मैं लिख सकती हूँ बेस का स्क्वायर था, ए सी क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं एच स्क्वायर लिख रही हूँ। तो हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल is equal to square of the hypotenuse of that triangle. दो साइड्स का स्क्वायर और फिर उनका सम इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर का। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो थ्योरम था वो प्रूव हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे hence proved हाइपोटेन्यूस थ्योरम। तो ये हमने किस तरीके से प्रूव किया है मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने ये प्रूफ किया प्रोपोर्शनैलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। हमने सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स होगी। हमने पहले फर्स्ट 2 को लिया, उस पर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग जो रेशियोज की साइड से सेम थी तो हमने बेस ओवर हाइपोटेनस ले ली। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने उनके जो नेम्स थे हमने उसको लिखा, इक्वेशन 1 बनाया। सेकेंड हमने क्या किया, हमने दो, एक जो हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल थी और एक हमने जो बनाई थी उसको पकड़ा और उसमें हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की रेशियो ले ली, नेम्स दिए, एक और इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को ऐड किया और हमारे पास प्रूफ आ गया। पैथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के मेथड बहुत ज़्यादा हैं, पेपर में ये नहीं आएगा कौन सा मेथड करना है, आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है, आपको कोई और मेथड ईजी लगता है तो आप वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो मुझे इजी लगा इस लेवल के लिए मैंने वो वाला मेथड एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पैथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन फिर से कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।